Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं 2016 mystery thriller Marriage of Lies के बारे में। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक अंधेरे केबिन में एक आदमी को देखते हैं। वो घायल था, किसी ने उसके हाथ पैर बांध रखे थे और उसके माथे से खून भी निकल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं रेचल से, रेचल विल्सन। वो अपने पति टाई और बेटी एला के साथ रहती है। हर रोज की तरह उस दिन भी रेचल डिनर रेडी करके टाई के लिए वेट कर रही थी। वो उसे कॉल भी करती है मगर टाई का फोन ऑफ आ रहा था। रेचल ज्यादा कंसर्न्ड नहीं होती, टाई शायद किसी काम में बिजी होगा, आ जाएगा वो। वो खाना खाती है, अपने टू डू लिस्ट के मुताबिक सारा काम करती है और दवाई लेकर सो जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद टूटती है तब भी टाई नहीं आया था घर में। रेचल को लगा शायद वो कल रात आया होगा लेकिन सुबह उसके जागने से पहले निकल गया होगा। वो अपने गैराज में भी चेक करती है, ये टाई का प्राइवेट स्पेस है, वो यहाँ पर ही मैक्सिमम समय बिताता है, मगर अभी तो वो यहाँ पर भी नहीं है। रेचल जल्दी से एला को रेडी करती है। टाई जो स्कूल में टीचर है वहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन हड़बड़ी में उससे टाई का एक फोटो फ्रेम गिर जाता है और उसकी उंगली कट जाती है। हमें पता चलता है स्कूल में टाई काफी फेमस है, उसके कलीग्स और स्टूडेंट्स उसे सभी पसंद करते हैं। रेचल की बात होती है स्कूल के डीन से, जो कहता है टाई तो स्कूल आया ही नहीं। इस पॉइंट पर रेचल की परेशानी स्टार्ट हो जाती है, टाई स्कूल नहीं आया तो वो कहाँ गया। रेचल कुछ देर तक उसे इधर उधर ढूंढती है और फिर घर लौटने लगती है। घर के बाहर उसे एक ओल्ड लेडी डीडी मिलती है। डीडी उनकी पड़ोसन है और कुछ ज्यादा ही खबर लेती है उनकी, एक परफेक्ट नोजी नेबर। दूसरों के घर में ताक झांक करने की बहुत बुरी आदत है उनकी, इसीलिए रेचल उन्हें अवॉइड करती है, लेकिन डीडी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। सुबह से वो यहीं पर है, उसने टाई को स्कूल जाते हुए नहीं देखा तो वो रेचल से पूछती है उसके बारे में, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। रेचल भी उनका मुंह बंद करने के लिए कहती है हाँ टाई ठीक है, बस वो अपने फैमिली से मिलने शहर से बाहर गया है। डीडी और भी कहती है कि उसने कुछ दिन पहले उनके घर के बाहर किसी रियल्टर की गाड़ी देखी थी, मगर रेचल को इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वो बात को यहीं रोक देती है। ऐसे ही नेक्स्ट डे भी बीत जाता है, मतलब टाई के गायब हुए पूरे दो दिन बीत चुके थे। रेचल की दोस्त यानी कि उसके बेस्ट फ्रेंड जेसिका आती है उससे मिलने। वो पुलिस को इन्फॉर्म करने की सजेशन देती है, मगर रेचल को यकीन था टाई लौट आएगा। रिसेंटली उसकी माँ की मौत हुई है, काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, तो सब कुछ मिला जुला कर टाई के लिए ये काफी टफ टाइम है। वो शायद अपसेट है, कुछ दिनों के लिए स्पेस ले रहा है। असल में इन सारे एक्सप्लेनेशन से रेचल खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और भी हो सकती है ना। तो फाइनली वो पुलिस को कॉल कर ही लेती है। नेक्स्ट डे उसे विजिट करते हैं ऑफिसर गर्ल्स, कुछ रेगुलर क्वेश्चंस करते हैं, साथ में ये भी पूछते हैं कि टाई का कोई अफेयर चल रहा था या नहीं। इस सवाल से रेचल बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, हर मैरिज में प्रॉब्लम रहती है, उनकी भी है, वो लोग एक साथ डील कर रहे हैं उससे, मगर उससे टाई के डिसअपीयरेंस का क्या ताल्लुक। इसके बाद ऑफिसर गर्ल्स डीडी को भी इंटेरोगेट करते हैं। अब डीडी तो डीडी है, वो ऑफिसर के सामने अपने दिल की सारी बातें बोल डालती है, फैक्ट से ज्यादा अजम्पशंस। उन्हें टाई पसंद है क्योंकि टाई एक काफी टॉकेटिव और हसमुख बंदा है, हमेशा सभी को अच्छे से ग्रीट करता है, लेकिन उन्हें रेचल बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि वो उतनी फ्रेंडली नहीं है, उनके बकवास को टॉलरेट जो नहीं करती। साथ में डीडी ये भी कहती है कि कुछ दिनों पहले रेचल का मिसकैरेज हुआ था, उन्होंने एक बेबी बॉय को खोया था, मे बी उस वजह से या फिर किसी और वजह से रेचल को बहुत सारे दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ा था। ऑफिसर गस अपने असिस्टेंट डीलन के साथ इस केस में लग जाते हैं। पहले वो उसके स्कूल जाते हैं, डीन से मिलते हैं, बाद में स्टूडेंट से भी। एक बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ पर सभी उसके दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं, इवन उसके स्टूडेंट्स तो कुछ ज्यादा ही उसे पसंद करते हैं, स्पेशली लड़कियां। पता चलता है ये टाई अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत फ्रैंक था, अपने डोमेस्टिक मैटर को भी ओपनली डिस्कस करता था वो। एक्चुअली उसी ने सभी को इन्फॉर्म किया था रेचल मेंटली अनस्टेबल है, और भी कई सारे लोगों से बात होती है ऑफिसर की। सभी टाई के बारे में प्रेयर्स ही कर रहे थे, किसी को कभी नहीं लगा कि वो अपसेट है या फिर किसी बात को लेकर परेशान है, वो हमेशा एकदम बिंदास रहता था। गस को ये बातें बहुत खटकती है, इतना पॉपुलर एक व्यक्ति ऐसे गायब कैसे हो गया। अभी ऑफिशियली ये केस एक मिसिंग पर्सन केस बन चुका था, तो मीडिया भी रेगुलरली इस केस को कवर कर रही थी। रेचल इस सब के बीच खुद को कंपोस्ट रखने की बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर उसने एक बार कंट्रोल लूज कर दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा, एला का क्या होगा। मगर उसका ये एक्स्ट्रा कंपोस्ट बिहेवियर ही उसे मुश्किल में डाल रहा था। ना वो दुखी थी ना पैनिक कर रही थी, जैसे इस सिचुएशन में किसी भी वाइफ को करना चाहिए, तो नेचुरली पुलिस का पहला शक उस पर ही जा रहा था। उसने एक गलती और करी, गैराज को क्लीन कर दिया उसने, पुलिस के नजरों में जो सबूत मिटाने जैसा लग रहा था,
ऑफिसर्स को वहाँ रेचल की दवाई भी मिलती है, एंटी डिप्रेसेंट, साथ में प्रेस्क्रिप्शन भी, जिससे उन्हें रेचल के मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। असल में रेचल के मिसकैरेज के बाद से वो पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन का शिकार हो पड़ी थी, जिस वजह से उसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। घर आने के बाद भी टाई के साथ उसका रिलेशनशिप पहले की तरह नहीं हो पाया, एक डिस्टेंस आ चुका था उनके बीच। टाई उसका ख्याल रखता था, इनफैक्ट वो ही रेचल का टू डू लिस्ट बना देता था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर रेचल को अपनी सैनिटी बरकरार रखनी है तो उसे बिजी रहना होगा। टाई उसके लिए सब कुछ प्लान कर देता था और रेचल उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलती थी, वो डिपेंडेंट थी कम्प्लीटली टाई के ऊपर। लेकिन टाई अपने बच्चे को खोने के बाद से बदल गया था, उसे एक लड़की का बहुत शौक था जो रेचल उसे नहीं दे पाई। साथ में इतने दिन दूर रहने के वजह से उनके मैरिज लाइफ में भी एक डिस्टेंस आ गई थी, जो कवर अप करने की कोई कोशिश टाई ने नहीं किया। रेचल भी सिचुएशन को समझती थी, इसीलिए उसने भी कभी फोर्स नहीं किया, सिंपली एक रूटीन की तरह लाइफ को लीड करती गई। कुछ दिनों पहले तक ऐसा ही चल रहा था, सब कुछ ठीक था, मगर अभी टाई के गायब हो जाने से फिर से सब कुछ बिगड़ने लगा है। जेसिका उसकी हालत समझती है, जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो उन्हें भी बताती है रेचल परेशान है, सिर्फ दिखाती नहीं, टाई के गायब हो जाने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उसे ही हो रही। ऑफिसर रेचल के घर की तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें उसके बेड के नीचे से मिलता है टाई का वॉलेट, वो भी खून लगा हुआ। गस इस बात को रेचल के घाव से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। रेचल को दिन भर फॉलो किया जाता है, वो कहां जाती है, क्या क्या करती है, किस किस से मिलती है, हर जगह पुलिस की नजर रहती है। सिर्फ पुलिस ही क्यों, रिपोर्टर्स भी तो उसके पीछे पड़े हैं, सभी का एक ही सवाल है, ऐसे सिचुएशन में रेचल इतना काम कैसे रह सकती है, उसे देखकर तो लगता ही नहीं कि उसका पति गायब है। अब रेचल उन्हें कैसे समझाए, उसके लिए खुद को काबू में रखना जरूरी है। इंटरनेट पे इस केस से रिलेटेड न्यूज भरे पड़े थे, सर्च पार्टी अरेंज किया जाता है जहाँ पुलिस को टाई की आईडी कार्ड मिलती है। रेचल इस सब से बहुत ज्यादा पजल्ड हो चुकी थी, वो एक लॉयर हायर करती है, रिपोर्टर्स उससे बात करना चाहते थे मगर वो नहीं, तो लोग उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। डीडी तो थी ही, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए वो स्टेटमेंट देती है कि उनके बीच बहुत प्रॉब्लम्स थी, इन अ वे सभी ने रेचल को ही दोषी मान लिया था, लेकिन पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट के ना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी इस केस में। पता चलता है वो टाई को पसंद करती थी, मगर अफेयर था या नहीं वो श्योरली पता नहीं चल पाता। साथ में पुलिस को किसी रियल एस्टेट एजेंट एलेक्सा के बारे में भी पता चलता है, जिसके साथ टाई को रेगुलरली देखा गया है। और थोड़ा सर्च करने पर पुलिस को पता लग जाता है कि इस एलेक्सा ने 4 साल पहले रेचल के अगेंस्ट एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल किया था, मतलब रेचल को इस अफेयर के बारे में पता था, तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया। ऑफिसर गस इस एलेक्सा से जाके मिलते हैं, पता चलता है उनका अफेयर पिछले 4 साल से चल रहा है, इवन एलेक्सा तो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। जब रेचल को इस बारे में पता चलता है तो वो हैरान हो जाती है, उसे लगा था ये अफेयर 4 साल पहले ही खत्म हो गया होगा, अभी भी चल रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं था उसे। रेचल अपनी इनोसेंस साबित करने की जितनी कोशिश कर रही थी उतनी ही वो दलदल में फंसती जा रही थी। ये ऑफिसर डीलन तो मोर देन श्योर था कि रेचल ने ही अपने पति को गायब किया होगा। कौन सी पत्नी 2 दिन तक वेट करता है पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए, ना कोई पैनिक ना ग्रीफ, इतना शांत ऐसे सिचुएशन में एबनॉर्मल नहीं। मोटिव भी तो है टाई का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऊपर से रेचल का मेडिकल बैकग्राउंड, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड वायलेंस हिस्ट्री, एलेक्सा का रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर, उसके घर में टाई का वॉलेट मिलना, सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा था रेचल ही गुनहगार है। साथ में उन्हें ये भी खबर मिलती है कि रेचल को कुछ दिन पहले ही फ्यूनरल होम और लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस में देखा गया है, मतलब जरूर वो श्योर है कि टाई की मौत हो चुकी है, मगर कैसे, क्या उसने टाई का खून किया है। रेचल को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो बार बार कहती है उसे टाई के बारे में कुछ नहीं पता। फ्यूनरल होम और इंश्योरेंस ऑफिस तो वो अपने सासू माँ के लिए गई थी, उनका कुछ पेमेंट होल पर है, पहले ये सब टाई दिखता था, अभी उसे संभालना पड़ रहा है, मगर कोई उसके बातों पर यकीन नहीं करता। फॉर्चुनेटली उसके लॉयर के मदद से उसे बेल मिल ही जाता है, मगर रेचल अंदर तक हिल चुकी थी, स्पेशली टाई का अफेयर अभी भी चल रहा है ये जानकर, उसका तो टाई पर से भरोसा ही उठ चुका था। वो घर जाती है जहाँ जेसिका उसके बेटी की देखभाल कर रही थी, वो जेसिका को कुछ नहीं बताती उसके बारे में। अचानक जेसिका उससे पूछती है क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ टाई छुप सकता है, रेचल के दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा था तो वो ना कह देती है। उसके जाने के बाद रेचल जब एला के पास जाती है तो एला कहती है पापा आए थे। पहले तो रेचल बिलीव नहीं करती, शायद उसने सपना देखा होगा, मगर बाद में पता नहीं उसे क्या सोचती है वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है और तब रेचल को कुछ अनयूजुअल दिखता है। क्लियरली घर में जेसिका किसी से बात कर रही थी।
इस फुटेज में ऑडियो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मगर उसका लीप रीड करके रेचल समझ जाती है जेसिका टाई को बुला रही थी। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है रेचल का शक बिल्कुल सही है, ये टाई ही था जो जेसिका से मिलने आया था। वो रेचल को फंसाना चाहता है जिससे जेसिका के साथ अपना नया घर बसा सके। उसके साथ जेसिका का अफेयर जो चल रहा है, रेचल उसके लिए एक लायबिलिटी बन चुकी है, बोझ की तरह। इसीलिए तो वो उसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है। ये सब कुछ उसका ही प्लान है जिसमें जेसिका उसकी मदद कर रही। वो डिवोर्स नहीं चाहता, एक ऐसा वे आउट चाहता है जिससे कभी उस पर कोई उंगली ना उठा सके। वैसे ही कैरेक्टर ढीला है उसका, ज्यादा सवाल जवाब से वो फंस सकता है। इसीलिए वो जेसिका से कहकर रेचल को बार बार दवाई के बारे में याद दिलाता रहा, जो रेचल शराब के साथ लेती है। एज ए रिजल्ट वो सिडेटिव का काम करती है। उसे तो पता ही नहीं चलता उसके बेहोश हो जाने के बाद घर में कौन क्या रख के जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखकर अब सारा मामला रेचल को समझ आ जाता है। वो अपनी सारी मेडिसिन फेंक देती है, ये टैबलेट्स उसके दिमाग को कमजोर बना रही है। वो जाती है एलेक्सा से मिलने। एलेक्सा बताती है टाई ने उसे कहा था कि बहुत जल्द वो रेचल को डिवोर्स देने वाला है, इसीलिए उसने अफेयर कंटिन्यू रखा। उस दिन वो इसी प्रेगनेंसी का रिपोर्ट दिखाने गई थी उसके घर रेचल के अब्सेंस में, मगर बच्चे के बारे में सुनकर ही टाई गायब हो गया। उसे तो पता ही नहीं उसका बेबी बॉय होने वाला है। रेचल इसी बात का फायदा उठाने की सोचती है, लेकिन सही वक्त पर। उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं तो उसे बहुत सोच समझ के कदम रखना होगा, अपनी इनोसेंस साबित करनी होगी उसे। वो सिर्फ अपने लॉयर को बताती है ये सब और उसके मदद से आगे का प्लान सेट करती है। सबसे पहले वो जेसिका को इन्फॉर्म करती है टाई का एलेक्सा के साथ अफेयर चल रहा है। उसका तो चेहरा ही उतर जाता है, लेकिन अपने प्लान से पीछे नहीं हटती जेसिका। वो रेचल के दरवाजे पर एक नोट छोड़ आती है एनोनिमसली कि टाई उनके केबिन में है, जिससे रेचल टाई को ढूंढते हुए केबिन में जा पहुंचे और वो लोग उसे फंसा सके। और उधर पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि रेचल ने उसे कहा है वो टाई को मार डालेगी। रेचल को उनका प्लान समझ आ चुका था, फिर भी वो जाती है इंटेंशनली। उसे टाई को रेड हैंडेड जो पकड़ना था, खुद को बचाने का लास्ट चांस है ये उसके पास। रास्ते पर पुलिस उसे कॉल करती है जेसिका के मैसेज मिलने के बाद। उसे पता था पुलिस उसकी मदद नहीं करेगी तो वो उन्हें कुछ नहीं बताती, मगर पुलिस को उसे ट्रैक करके उसका लोकेशन पता चल जाता है। वो लोग निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने। उधर केबिन में पहुंच के रेचल टाई को बिल्कुल उसी हालत में पाती है जैसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। अपनी ये हालत उसने खुद ही किया था। अब जब पुलिस आएंगे तो उन्हें लगेगा ये सब रेचल ने किया है। इसी बीच जेसिका भी आ जाती है और टाई के हाथ पैर खोल देती है। इस पॉइंट पर रेचल अपना गेम शुरू करती है। वो उन्हें एलेक्सा के बेबी के बारे में कहती है, जिससे जेसिका को टाई के असलियत के बारे में पता चले। पहले तो टाई डिनाई करता है और जेसिका भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि टाई ने उसे कहा था कि वो उसकी इकलौती गर्लफ्रेंड है, एग्जैक्टली जैसे उसने एलेक्सा को बताया था। मगर टाई जैसे ही सुनता है ये एक बेबी बॉय है तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। एक लड़की का शौक तो उसे बहुत दिनों से था, उसे खोने के बाद से ही तो रेचल के साथ उसकी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी। वो रेचल से पूछता है क्या ये सच है। इससे जेसिका को यकीन हो जाता है कि रेचल सही है। वो टाई पर चिल्लाने लगती है और टाई हर बड़ी में उसे शूट कर देता है उसका मुंह बंद करने के लिए। अभी उसे जेसिका की जरूरत नहीं, उसका काम खत्म और लड़का तो उसे एलेक्सा दे ही रही है। उसके करतूतों से गुस्सा होकर रेचल उस पर हमला कर देती है, उसकी गन छीन लेती है उससे। दोषी तो वो ऑलरेडी सबके नजरों में बन चुकी है, अभी टाई को मारकर सच में ही जेल जाएगी वो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसे। इसी वक्त पुलिस आ जाती है। टाई उनसे कहता है रेचल पागल हो गई है, उसने ही जेसिका को शूट किया है और अभी उसे भी मार डालेगी। पुलिस रेचल को अरेस्ट कर लेती है और टाई राहत की सांस लेता है, मगर उसे तो पता ही नहीं था जेसिका तब भी जिंदा थी। वो ऑफिसर डीलन के कान में सच्चाई बता देती है और फाइनली रेचल को छोड़कर असली दोषी टाई को अरेस्ट किया जाता है। सब कुछ ठीक हो चुका था एट लास्ट। टाई को सजा मिलती है और रेचल को जस्टिस, मगर इस रिविलेशन पर सबका रिएक्शन काफी फनी था। सच जानकर सभी का ओपिनियन चुटकी में बदल जाता है। डीडी जो शुरू से रेचल की बुराई कर रही थी, वो तो उसकी तारीफ करने से रुकी नहीं रही थी। टाई के स्टूडेंट्स भी अभी उसे छोड़कर रेचल के सपोर्टर बन चुके थे। इवन ऑफिसर डीलन भी अपना स्टेटमेंट बदल लेता है, कहता है उसे तो पहले से ही पता था रेचल बेकसूर है। रियली समाज का ओपिनियन कितना इजीली बदल जाता है ना। एक चुटकी में किसी को भी राजा बना सकता है तो दूसरे ही पल में उसे मिट्टी में मिला सकता है। एनीवेज गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।